गुड मॉर्निंग, सुबह के 10 बज रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे रक्षम विलेज, तो हम जा रहे हैं आज छोटी सी हाइक के लिए। यहाँ पर एक ग्लेशियर है जहाँ से करीबन 3 से 4 वाटरफॉल्स निकलते हैं, तो आज हम वो देखने जा रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत गांव है, मैं भी आपको इस पूरे गांव का व्यू दिखाऊंगी। आज थैंकफुली बहुत ही अच्छा वेदर है, ब्राइट एंड सनी, तो सारी के सारे माउंटेंस बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत वहाँ से मुझे दिख रहा है कि मॉनसून के क्लाउड्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, बट वैसे ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा है। मेरे पीछे जो आप ब्लू और ग्रीन से कलर का घर देख रहे हैं वो बेसिकली हमारा गेस्ट हाउस है। इसमें करीबन आई थिंक 10 या 8 कमरे हैं और नीचे पार्किंग मिल जाती है, अगर 3 से 4 कार होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बट बहुत ही अच्छा व्यू है, यहाँ से अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू आता है पूरी की पूरी वैली का। और मैं आपको दिखाऊंगी कि सुबह जब हम उठे थे तो सामने माउंटेन है, वहाँ पे सीधे सनलाइट पड़ती है और हमें वो सुबह सुबह वो दिखता है, तो मून सेट भी दिखता है और यहाँ से सनराइज़ भी दिखता है, बहुत ही खूबसूरत है। अब चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है आगे। तो ये है पूरा गांव, ये यहाँ से अंदर जा सकते हैं गांव के अंदर। यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है यहाँ पे, और ये है पूरा वैली का व्यू, और ये है हमारा होटल। मास्क पहन लिया है मैंने बिकॉज जाहिर सी बात है लोकलाइट्स को तो आप इन्फेक्ट नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सी वैली है, ऊपर के जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर अभी भी हल्की हल्की स्नो है। तो ये जो ऊपर वाली बालकनी है ये हमारा वाला रूम है और यहीं से ही रास्ता जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से वाले ग्लेशियर की बात मैं कर रही हूँ जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। ये जो छोटा सा वाइट कलर का दिख रहा है ये ग्लेशियर है और हम यहाँ तक जा रहे हैं अभी वॉक करके। Side by side, our fears are done. All the good times just begun. ये है बसपा रिवर और वो है ब्रिज। अभी हम ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे ग्लेशियर तक। वैसे तो वहाँ तक गाड़ी भी जाती है नीचे एक पॉइंट तक, वहाँ से फिर आप हाइक करके ऊपर जा सकते हैं। आज है जून 27 और अभी भी वो ग्लेशियर है, इसका मतलब अगर आप इस मौसम में आते हैं तो आप भी वहाँ तक हाइक कर सकते हैं। तो मेरे ही पीछे एक रिज़ॉर्ट है, यहाँ पर भी काफ़ी लोग आके रुकते हैं और इन लोगों ने ऊपर से जो वाटरफॉल का पानी है उसको थोड़ा चैनलाइज कर दिया है और यहाँ पे लोग फिर बैठे रहते हैं और इन्जॉय करते हैं ऐसे। बट यहाँ पे पूरा मेडोज वाला व्यू आता है, बिल्कुल ग्रीन है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये यहाँ पर ऐसे कैंप्स बने हुए हैं और यहाँ पर ऊपर 2 से 3 वाटरफॉल्स हैं जिनका पानी यहाँ तक आ रहा है। हम जा रहे हैं यहाँ से आगे, अभी लगेगा हमें और 15-20 मिनट और नीचे तक पहुँचने में, फिर वहाँ से हमारा थोड़ा सा हाइक करके हमें ऊपर जाना होगा। तो यहाँ से कहीं से रास्ता जाता है उस ग्लेशियर तक। अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि रास्ता जाता कहाँ से है, आसपास कोई है नहीं तो हम किसी से पूछ नहीं सकते हैं, तो हम लोग अपने आप से ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम कहाँ से जाएं। ऑलमोस्ट 25 मिनट हो गया है हम लोग को चलते हुए, वैसे तो टायरिंग बिल्कुल नहीं है बट आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है और मैंने जैकेट भी पहन ली है तो इसी वजह से थोड़ा सा थकान महसूस हो रही है। बट वैसे बहुत इजी ट्रैक है, ट्रैक भी नहीं कह सकते इसको, बहुत इजी सा हाइक है, कोई भी कर सकता है। अभी देखते हैं ऊपर कितना चढ़ना पड़ेगा। आज हमारा प्लान है कि वहीं पर ही मैगी वैगी खाएंगे, थोड़ी देर वहीं पर सुस्ताएंगे और उसके बाद फिर नीचे आएंगे। अच्छा अच्छा किकू किकू ओए चिकू
चिकू हमारे साथ चले थे तुम, चलो जाओ हम जा रहे हैं ऊपर, बाय 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 बोल। सो ये हम आ गए हैं मेडोज में और यहीं से रास्ता जाता है ऊपर उस ग्लेशियर तक। हम लोग देख रहे हैं कहाँ से रास्ता जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेडोज में काफ़ी पानी है, तो इसमें पैर रख के चलना थोड़ा सा रिस्की है, पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे थोड़ा सा डीप है और कहाँ पे शैलो पानी। ऊपर से बर्फ निकलते आ रहा है। अच्छा ये तो पूरा हिल रहा है। अच्छा तो मैं यहाँ से यहाँ पैर रख के यहाँ यहाँ से निकले ना, तो पत्थरों को टापते हुए जाऊँ ना मैं। अच्छा ये मिल गई है हमें ट्रेल ऊपर जाने के लिए। अब यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर, थोड़ी चढ़ाई होगी। ये है जोमो, ये है याक और गाय का क्रॉस। गाय जैसा दिखता है बट इसकी पूंछ देखोगे तो याक जैसी है और इसके फर भी थोड़ा सा थिक है। मैंने किसी वीडियो में देखा था कुछ लोग उसको जोंग भी बोलते हैं। ये है वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। वाह स्ट्रॉबेरीज अलग ही टेस्ट है तो, बट छोटी है ये। और भी बहुत सारी है, मैं दिखाती हूँ। सो मुझे मिली हैं इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज, ये है जंगली स्ट्रॉबेरीज। और यहाँ पे मैं आपको पेड़ दिखाती हूँ, स्ट्रॉबेरी के पेड़ कौन से हैं। ये जो तीन पत्ते वाले पेड़ हैं, ये इसमें भी फ्लावर्स भी उगे होंगे कुछ कुछ में, ये सारे स्ट्रॉबेरी के हैं। फाइनली पहुंच गए हम ग्लेशियर के पास। दूर से इतना छोटा सा दिखता था, यहाँ देखो कितना बड़ा है, वो ऊपर तक है। वहाँ पर वाटरफॉल्स भी हैं बट देख रहे हैं कि ऊपर कैसे जा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि एवलांच हुआ है यहाँ पे, क्योंकि पेड़ जो हैं वो सारे टूटे हुए हैं और ये इतने नीचे तक बर्फ इतनी ईजिली आ नहीं सकती है क्योंकि ये रीजन काफ़ी गर्म है, तो यहाँ पर अभी तक तो बर्फ मेल्ट हो जानी चाहिए थी। जा रहे हैं साइड साइड से ऊपर तक, सांस फूल गई है बट मैंने कभी ग्लेशियर नहीं देखा इतनी पास से। अभी इसका ग्लेशियर बन गया है, ये एवलांच है बट सॉलिड वो है, सॉलिड बर्फ है। तो साइड साइड से जा रहे हैं हम लोग। ग्लेशियर तक वॉक भी कर लिया है और यहाँ पे नीचे वहाँ से पानी आ रहा है ठंडा ठंडा, वो भी पी लिया है, बॉटल में भर भी लिया है, अभी उसी से मैगी बनाएंगे। यहाँ पे छोटा सा कोई जगह ढूंढते हैं स्पॉट जहाँ पे बैठ के हम कुछ खा पी सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे कुछ चरवाहे आते हैं अपनी भेड़ बकरियों को चरवाने के लिए और वो ये जो ग्लेशियर है इसको पूरा का पूरा क्रॉस करके ऊपर का कोई रीजन है जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ग्रास है उधर जाते हैं लेके। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर आना, मैंने ये सब कुछ कभी पहले किया नहीं है और इस बार तो कोई गाइड भी नहीं है हमारे साथ, तो हम लोग खुद ही आए हैं। ये जो ग्लेशियर है इसके नीचे से कोई भी कोई बड़ा वाटरफॉल नहीं फ्लो कर रहा है, इसीलिए सेफ़ है इसके ऊपर चलना। बट अगर इसके नीचे से कोई बड़ा सा वाटरफॉल होता तो इस पर चलना काफ़ी अनसेफ होता बिकॉज वो खोखला होता है ग्लेशियर और उसमें अगर आप पैर रखेंगे तो आपका पैर अंदर जा सकता है। यहाँ पर ऊपर करीबन 2 या 3 वाटरफॉल्स थे जो मुझे नीचे से दिख रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा डर रही हूँ उसके ऊपर चढ़ने में
ग्लेशियर के ऊपर चढ़ने में और वो वाटरफॉल देखने में। तब जब मैं नीचे जाऊँगी तब मैं आपको वाटरफॉल्स दिखाऊँगी। अभी जा रहे हैं अपना स्पॉट ढूंढने और कुछ खाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। हम लोगों ने अपना सारा सामान समेट लिया है और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हम लोगों ने थोड़ी सी बर्फ़ यूज़ करी थी अपने बर्तन को क्लीन करने के लिए, बस वो साइड में फेंकी है। बाकी जितना भी सामान हमने यूज़ करा है हम सब कुछ वापस लेके जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसे जगह पे कैंप करना पसंद है, खाना पीना पसंद है, तो अपना स्टोव लेकर आइए, जो कुछ करना है करिए। बट जिस जगह पर आप आते हैं और जैसी जगह देखते हैं उसको बिल्कुल वैसा ही छोड़ के जाइए। अगर आपको साफ़ जगह दिखती है तो उसको बिल्कुल साफ़ छोड़ के जाएं, अगर गंदी जगह दिखती है तो उसको भी साफ़ करके जाएं। तो हिमालयस प्रेशियस हैं, प्लीज़ 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 कीप देम क्लीन। अब हम जा रहे हैं नीचे। जो वाटरफॉल्स थे वो तो यहाँ से नहीं दिखे, मैं वाटरफॉल्स नीचे से दिखाने की कोशिश करती हूँ। अगर नीचे से देखेंगे ये भी मैं वो जूम लेंस में दिखाऊँगी आपको, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, 3 से 4 वाटरफॉल्स हैं। और इसके बाद इस पहाड़ी के जस्ट ऑपोजिट वहाँ पर भी एक वाटरफॉल है जहाँ जिसका पानी रक्षम गांव के अंदर आता है। हमने अपने गेस्ट हाउस के जो ओनर हैं या केयरटेकर हैं, हमने उनसे कहा है कि क्या आप हमें वहाँ तक लेके जा सकते हैं। उन्होंने बोला है कि 3-3:30 बजे के आसपास हमें वहाँ ले जाएंगे, तभी हम वहाँ भी जा रहे हैं। और पहले मैं आपको दिखाऊँगी वाटरफॉल और फिर मैं दिखाऊँगी आपको जो दूसरा वाटरफॉल है जहाँ पर हम लोग हाइक करके जाएंगे। ये मेडो सितंबर के टाइम में बेहद खूबसूरत लगते हैं, चारों तरफ बकवीट फ्लावर खिलखिलाते हैं और यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है। मॉनसून में यहाँ आना काफ़ी रिस्की है, इसीलिए सितंबर इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस। इस वैली का नाम वैली ऑफ वाटरफॉल होना चाहिए। आप लोगों को रक्षा विलेज कैसा लगा? बहुत सुंदर। सो अब हम लोग जा रहे हैं वो एक छोटा सा वाटरफॉल देखने। हमारे जो केयरटेकर भैया हैं या ओनर हैं, मैं उनसे पूछूंगी अभी, वो लेके जा रहे हैं ऊपर। एक्सट्रीम एडवेंचर हो गया है, 25 मिनट लगे हैं ऊपर आने में, लेकिन रास्ता था ही नहीं, मतलब जैसे जंगलों के रास्तों से आए हैं, खेतों के रास्तों से। बट पीछे व्यू देखो, वाटरफॉल, इतना खूबसूरत वाटरफॉल है। तो भैया ने बताया कि ये जो वाटरफॉल है सीजनल वाटरफॉल है, और अगर बर्फ़ अच्छी गिरती है तो सितंबर तक इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी रहता है, और जिसका पानी है वो नीचे खेतों में सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर बर्फ़ अच्छी नहीं गिरेगी तो फिर ये सूखा ही रहता है। तो ये सीजनल वाटरफॉल है, बट यहाँ से पूरे रक्षम गांव का व्यू दिख रहा है, पीछे स्नो क्लैड माउंटेंस दिख रहे हैं, मतलब बहुत ही अमेजिंग है।
चल आगे जा सकते हैं? नहीं आ जाओ, आ जाओ ऊपर आओ, आ जाओ आ रहा हूँ। डरते डरते मैं फोटो कॉल तक आ गई हूँ। सो उस वाटरफॉल तक होकर आ गए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं वहाँ तक होकर आ गई हूँ। मतलब इतना ज़्यादा डर लग रहा था वहाँ तक जाने में, बट जो हमारे होटल वाले भैया हैं वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ पकड़ के हमें वहाँ तक पहुँचा दिया। हम लोग काफ़ी देर तक वाटरफॉल के पास बैठे रहे। वाटरफॉल से जो ड्रॉपलेट्स आ रही थी ना वो इतनी अच्छी लग रही थी और इतना खूबसूरत वाटरफॉल इतनी पास से मैंने आई थिंक बहुत दिनों के बाद देखा है। अब हम जा रहे हैं नीचे। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको रक्षा विलेज अच्छा लगा। बहुत ही छोटा सा क्यूट सा गांव है और यहाँ पर अभी इनका एक वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट भी सेटअप हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा। इफ़ यस, नीचे सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।